भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रामपुर बुशहर क्षेत्र में इन दिनों मतदाता सूची को तैयार करने का काम जोरों पर है। बताते चलें कि रामपुर उपमंडल में पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 73,354 मतदाता हैं, जिनमें 37,842 पुरुष तो 35,282 महिला मतदाता हैं। वहीं 18 साल की उम्र पूरी करने वाले मतदाताओं को भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नई मतदाता लगभग 1400 के करीब होने का अनुमान है। इस बारे में बीएलओ ने कहा कि हम बीएलओ है, जो कि हम एक पहले वैसे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन हमें आजकल बीएलओ की ड्यूटी दी गई है, तो हम बीएलओ की ड्यूटी को बड़े ही अच्छे से निभा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों के लिए जो एडिशन के फॉर्म है 6 फॉर्म भर रहे हैं, साथ ही हमें नगर परिषद वालों ने भी जो काम सौंपा है उनके भी हम एडिशन और डिलीशन के फॉर्म भर रहे हैं 4 और 5 नंबर। और जो इलेक्शन ड्यूटी है उसमें भी हमारे जो जिनकी डेथ हो जाती है या फिर शादी हो जाती है या यहाँ से चले जाते हैं, उन लोगों के हम जो है डिलीशन के फॉर्म 7 नंबर भरते हैं। जैसे किसी की नाम में गलती है, फ़ोटो गलत है या कुछ भी गलत है, तो हम उसमें उसके लिए 8 फॉर्म भरते हैं। और घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है उन लोगों को जाकर के हम उनसे उनकी फॉर्मेलिटियाँ लेकर उनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज करते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर से रमेश शर्मा।